गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पिछला जो टॉपिक जो था हाउ ए बॉडी इज चार्ज, कि मतलब किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे या हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा, गेन करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन का लॉस और गेन नहीं हो सकता। प्रोटॉन का लॉस और गेन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम प्रोटॉन को इजेक्ट नहीं कर सकते किसी एटम के न्यूक्लियस से, डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग जो एनर्जी जो होती है प्रोटॉन की न्यूट्रॉन के साथ में, वो बेटा एक हाई बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, और वो एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं, हम किसका इजेक्शन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन करते हैं। इजेक्शन मतलब उनको हम क्या करते हैं, मेटल सरफेस से रिमूव कराते हैं। अब कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिवॉल्व करते हैं। उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स एक वीक फोर्स में कंसिडर किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लासेस में हम यही पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ चार्जिंग के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा मेरे पास में एक मेटल है, ये ठीक है बेटा, क्या है ये मेटल, इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उस एटम के चारों क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है आपको बता चुका हूं, कैसा होता है नेगेटिव। कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है बेटा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज कितना मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिकली एक यूनिट है डियर स्टूडेंट्स। अब मान लो मैं एक यहां पर एनर्जी फॉल करता हूं, मान लो मैंने इस पर एनर्जी फॉल करी इसके मेटल सरफेस पर डियर स्टूडेंट्स, क्या फॉल करी बेटा, एक एनर्जी फॉल करी मैंने, मान लो मैंने एनर्जी इसको सप्लाई कराई, मान लो मैंने इसको एनर्जी दे दी, कितनी जूल एनर्जी दे दी डियर स्टूडेंट्स, 1 जूल एनर्जी मेटल सरफेस पर मैंने फॉल करी। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या देखा, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है जिनकी जो बाउंडिंग है वो 1 जूल की नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, 1.5 जूल एनर्जी मैंने फॉल करी मेटल सरफेस पर, नॉट लीव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मैंने कितना डाला बेटा, 2.0 जूल एनर्जी मैंने इस पर फॉल करी, कोई भी इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन शुरू नहीं हुआ। मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, 2.5 जूल एनर्जी मैंने डाली, तो मैंने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि इस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो गया बेटा, उनका एक इजेक्शन होना शुरू हो गया, वो अपने मेटल सरफेस को लीव करना क्या कर दिया उसने डियर स्टूडेंट, शुरू कर दिया। फिर मैंने 2.6 डाला, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हुआ, 2.7 डाला, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन स्टार्ट हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 2.5 से ज्यादा अगर लाइट रेडिएशन अगर हम 2.5 से ज्यादा एनर्जी का अगर हम कोई रेडिएशन अगर हम फॉल करते हैं किसी मेटल सरफेस पर, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन शुरू हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं 2.5 से 2.0 की बात करूं या 2.4 की बात करूं या 2.3 जूल की अगर मैं बात करूं, तो इजेक्शन टेक प्लेस नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बेटा जो 2.5 जो जूल है ये बेसिकली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। मतलब अगर इस एनर्जी से अगर हम इस 2.5 जूल एनर्जी से अगर हम कम जूल की एनर्जी फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। अगर 2.5 से ज्यादा करोगे तो वहां पर इजेक्शन शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो 2.05 है ये क्या है बेटा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है बेटा,
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। इस एनर्जी को डियर स्टूडेंट, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इस एनर्जी को डियर स्टूडेंट इस मेटल का क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन बोला जाता है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इस चीज, ठीक है बेटा, क्या बोला जाता है वर्क फंक्शन, ठीक है। हालांकि जो वर्क जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि जो वर्क जो फंक्शन है उसमें जो वर्क जो फंक्शन है बेसिकली जो एनर्जी जो हम जो डालते हैं डियर स्टूडेंट वो जूल में नहीं डालते, हम जो एनर्जी जो डालते हैं डियर स्टूडेंट्स उस एनर्जी की जो यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बेटा। क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होती है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मान लो सोडियम है मेरे पास में, सोडियम का वर्क फंक्शन कितना बेटा 2.78 होता है, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, एल्यूमिनियम की बात करता हूं, तो एल्यूमिनियम का जो होता है बेटा, एल्यूमिनियम का जो होता है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा। ये 2.75 है, ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका वर्क फंक्शन, किसका एल्यूमिनियम का। अगर मान लो मैं, ये डिफरेंट क्यों है सर, कह रहे हैं कि ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, ये डिफरेंट क्यों हो रहे हैं सर, इनकी मिनिमम अमाउंट पर जो एनर्जी है जो इजेक्शन करने के लिए चाहिए किसी मेटल सरफेस से वो हमारी डिफरेंट क्यों है। तो आप लोगों को पता है कि जो सोडियम जो होता है, सोडियम की जो केमिकल जो प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग होती है और एल्यूमिनियम की जो केमिकल जो प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग होती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम है उसकी नेचर अलग है और एल्यूमिनियम की नेचर क्या बेटा अलग है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैटीरियल पर, डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मैटीरियल, नेचर ऑफ मैटीरियल। जैसे मैं बात करूं वुड की, बात करूं मैं वुड की बात करता हूं और दूसरा मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स अगर मैं किसी मेटल की बात करता हूं, तो आपको पता है कि जो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, वुड जो बेसिकली बेटा क्या है इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, उसकी नेचर अलग है, उसकी नेचर क्या है अलग है। अगर वुड की नेचर मेटल की नेचर जैसी होती तो वुड को भी क्या करनी पड़ती डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी पड़ती, बट वुड क्या नहीं करता बेटा डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी अपनी उसकी जो मेटेरियल की जो नेचर है वो मेटल की नेचर ऑफ मेटीरियल से बेटा क्या है डिफरेंट, उसकी नेचर अलग है। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो वर्क जो फंक्शन है बेटा वो बेसिकली क्या है, वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन, ठीक है। उसको मेजरमेंट किसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ही यूनिट है। मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा थर्ड वाले चैप्टर के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी में बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और हर किसी मेटल का, इट मींस जो भी हमारे नेचर के अंदर सब्सटेंस है हर किसी का वर्क फंक्शन कैसा होता बेटा अलग अलग होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम को, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम को अगर मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम के साथ में रब करूं, किसके साथ में रब करता हूं बेटा एल्यूमिनियम के साथ में रब करूं, ठीक है। या हम मान सकते हैं जो हमारे जो एग्जांपल जो पिछले जो चले हुए थे उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं तो आप लोगों को ये समझ में आ गया बेटा वर्क फंक्शन इसलिए बता रहा हूं ये आप लोगों को कुछ हेल्प करेगा समझाने में। देखो बेटा जैसे मान लो मेरे पास में एक, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये एक सब्सटेंस है, ठीक है बेटा, इसका वर्क फंक्शन है बेटा 5-1, ठीक है। वर्क फंक्शन को हम 5 से नोट करते हैं। एक दूसरी बॉडी है जिसका वर्क फंक्शन है बेटा क्या है 5-2, और हमने कंडीशन मान ली कि वर्क फंक्शन जो है ए वाली बॉडी का जो वर्क फंक्शन है वो ग्रेटर रहने वर्क फंक्शन ऑफ किससे बेटा सेकंड से, ठीक है। ये चीज समझ बेटा, अब आपको पता है, आपको ये चीज पता है कि बेटा क्या होगा, जैसे मान लो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होंगे बेटा प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है
तो 15 ही क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। ये इलेक्ट्रिकली क्या है बेटा न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी क्या बेटा डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब मैं इनको क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इनके बीच में एक फ्रिक्शन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ बेटा मैं फ्रिक्शन बनाता हूँ। तो फ्रिक्शन बनने से बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्या होगी बेटा एक हीट एनर्जी डेवलप होगी। ठीक है बेटा, क्या होगी बेटा हीट एनर्जी क्या होगी डेवलप होगी। अब जैसे ही हीट एनर्जी डेवलप होगी तो किसको पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, जिसका वर्क फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स कम है। तो वर्क फंक्शन किसका कम है डियर स्टूडेंट्स, बी वाली बॉडी का कम है। तो बी वाली बॉडी का क्या होगा, अगर वर्क फंक्शन बी वाली बॉडी का अगर कम है तो क्या होंगे बेटा बी वाली जो बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले इजेक्शन करना क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे बेटा स्टार्ट कर देंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन अगर होना स्टार्ट हो गया तो जिस वाली बॉडी से उसको रब किया जा रहा है तो डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन उस वाली बॉडी पर क्या हो जाते हैं बेटा ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा ट्रांसफर। तो जैसे मान लो इसका वर्क फंक्शन कम है, वर्क फंक्शन जैसे मान सकता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास में इसका जो वर्क फंक्शन है फाइव वन जो वर्क फंक्शन है मान लेता हूं कि फाइव वन जो वर्क फंक्शन है मान लेता हूं किसका एल्यूमिनियम का मान लेता हूं कि 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा और इसका जो वर्क फंक्शन है कितना बेटा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो बॉडी है बी वाली जो बॉडी है उसके इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होना, अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से वो कब होंगे जब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी मिलेगी डियर स्टूडेंट्स 2.5 मिलेगी। और ए वाली जो बॉडी है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को कब इजेक्शन शुरू करेगी डियर स्टूडेंट्स, जब उसको वर्क फंक्शन मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसे जब इतने अमाउंट में क्या मिलेगी डियर स्टूडेंट्स एनर्जी मिलेगी। तो किसके कौन से मेटल को सबसे पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, इस वाली मेटल को सबसे पहले क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स इसको अपनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कैसा बेटा 2.75 है, क्योंकि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.1, 2.5, 2.7, 2.72, 2.7, 2.75। जैसे 2.75 मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर देंगे। अब देखो 2.75 पर पहुंच गए, ये वाली बॉडी इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन कर रही है, क्या ये वाली इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन स्टार्ट करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कैसा है डियर स्टूडेंट्स ज्यादा है। तो ये वाली बॉडी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इजेक्ट होने क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहां के मान लो इसके 2-3 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इस वाली बॉडी पर। ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ओके बेटा। तो यहां क्या होगा बेटा, यहां 3 इलेक्ट्रॉन तो आ गए पर यहां 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा कमी हो गई, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे डियर स्टूडेंट्स 12 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने इलेक्ट्रॉन बचे डियर स्टूडेंट्स 12 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जरा चार्ज के बारे में सोचो कि ये कैसी चार्ज होगी और ये कैसी चार्ज होगी। इलेक्ट्रॉन अगर आए हैं इस वाली बॉडी पर, अगर इलेक्ट्रॉन आए ध्यान सुनना बेटा इस चीज को, अगर इस वाली बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं आपको पता है, आपको ये चीज पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा 10 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज जो होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज जो होगा, चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वो चार्ज ऑन 10 प्रोटॉन के बराबर होगा। इस और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, ये कैसे होंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इनका चार्ज निकालूंगा तो इक्विवेलेंट कैसे होंगे डियर स्टूडेंट्स अपोजिट होंगे, इक्विवेलेंट क्या होंगे अपोजिट। कहने का मतलब क्या है कि 10 में माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो आप लोग कैसे करोगे डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कितना आ जाएगा माइनस 10 इंटू में कितना आया बेटा 16 अपॉन में 10 इंटू में
-19 कूलम, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 16 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है स्टूडेंट्स, 10 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है। अगर मैं 10 प्रोटॉन का चार्ज निकालूं तो 10 इंटू में प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 16 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको पता है नेगेटिव है और ये कैसा डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, तो अगर मैं नेट चार्ज अगर इसका निकालूंगा, नेट चार्ज अगर निकालूंगा किसका, नेट चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन वो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स -16 इंटू में 10 की पावर -19 प्लस में 16 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम, इसका मतलब कितना बचा जीरो। मैंने वही चीज लिखी हुई है कि चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन है अगर उतने ही प्रोटॉन है तो वो चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट होते हैं और वहां चार्ज क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट कैंसिल हो जाता है, नेट चार्ज जीरो आता है। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज 10 प्रोटॉन के चार्ज से खत्म हो गया, अभी इस पर कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो चार्ज ऑन बॉडी ए कितना बचेगा 3e के बराबर होगा, 3e का मतलब कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, तो 3 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर बेटा 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, इसलिए मैंने यहां पर नेगेटिव लगा दिया, 16 3 का कितना होता 48, तो -4.8 इंटू में 10 की पावर -19 क्या बेटा कूलम, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस ए वाली जो बॉडी है उस पर जो चार्ज जो आएगा वो कैसा चार्ज आएगा डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज आएगा इस वाली बॉडी पर, नेगेटिव चार्ज अलग होगा। अगर इसका ध्यान देखना इस पर से इससे कितने इलेक्ट्रॉन चलेगा बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 12 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन बचे, ठीक है तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, इसी ध्यान देखो 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन प्लस में कितना होगा 3 प्रोटॉन, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 12 प्रोटॉन के चार्ज से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इस बॉडी पर जो चार्ज बचेगा चार्ज ऑन बी वो कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स 3p के क्या होगा बेटा बराबर होगा, 3p का मतलब कितना है 3 इंटू में प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो कितना चार्ज आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस, मैं इसी को यहां से हटा देता हूं ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा प्लस में आएगा क्योंकि प्रोटॉन है प्लस 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, कहने का मतलब क्या है कि सर इस पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाली बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो चार्ज में भी क्या क्या डिफरेंस है, मतलब जो चार्ज जो आएगा ना वो इक्वल एंड कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स अपोजिट आएगा, इसका मतलब अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का तो इस पर कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स प्लस आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का और ये दोनों बॉडी ही क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स इक्वल एंड अपोजिटली क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स चार्ज हो जाएंगी। तो आपको पता चल गया चार्जिंग कैसे हुई इलेक्ट्रॉनों के क्या करने से डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफर करने से, कौन इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेगा जिसका वर्क फंक्शन कैसा हुआ डियर स्टूडेंट्स कम होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बी वाले का वर्क फंक्शन कितना लिखा था मैंने आपको 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका वर्क फंक्शन कम है तो इसके इलेक्ट्रॉनों को रिजेक्ट होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी 2.75 चाहिए और इसके इलेक्ट्रॉनों के लिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो जब मैं इनको रब करूंगा तो वर्क फंक्शन किसको मिलेगा सबसे पहले किसको मिलेगा बी वाली बॉडी का मिलेगा, तो बी वाली बॉडी के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाएंगे और वो वाले बी वाली बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे डियर स्टूडेंट्स वो जिस बॉडी के साथ में रब किया जा रहा है उस वाली बॉडी पर क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिसने ट्रांसफर हो गए इस बॉडी पर या जिस बॉडी इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया है वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया है
और जहां जिसने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करा है वहां पर कौन सा चार्ज आ गया डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्या चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो अब अगले पॉइंट देखो आप लोग, मैं यहां पर लिख देता हूं कि क्या लिख रहा हूं मैं आप लोगों को कि द इलेक्ट्रॉन, मैं चीज लिखूंगा यहां पर, नोट लिख देता हूं मैं आपको, नोट कर लेना सीख हो गया। द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको मैं क्या बताऊंगा, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा नोट में, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ए बॉडी इफ ए बॉडी लॉस द इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी बिकम्स लॉस, तो इस वाली बी वाली बॉडी को कौन सा चार्ज आया इस पर, बिकम्स कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या आएगा बेटा, इफ ए बॉडी गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी बिकम्स कौन सी चार्ज होगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज होगी, क्या होगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज। आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया ना भाई, पहले इनिशियल बॉडी क्या थी, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन न्यूट्रल, इस पर 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के अगर बराबर होती है तो वो एटम या वो बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या होती है बेटा, न्यूट्रल होती है। अगर वो अनबैलेंस हो जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अनबैलेंस हो जाए, वो अनबैलेंस कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से होंगे। किस वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, किस वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और किस वाली बॉडी पर ट्रांसफर होंगे, ये चीज डिपेंड करती है वर्क फंक्शन पर, उस मेटल के किस पर डिपेंड करती है बेटा, वर्क फंक्शन डिपेंड करती है। और हर किसी मेटल का वर्क फंक्शन कैसा होता है, अलग अलग होता है। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, एक ऐसी मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट होने में जरूरत पड़ती हो, उस चीज को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं उस मेटल का, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पता है इसका वर्क फंक्शन कम है तो ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लॉस करेगी, तो लॉस हो गए, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए और इस वाली बॉडी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया बेटा, गेन कर लिया। पहले 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन का चार्ज तो कैंसिल हो गया, आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन आए, अब 3 इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करने वाला कोई 3 प्रोटॉन है नहीं, क्योंकि कितने प्रोटॉन माने 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा, ये चार्ज कैंसिल नहीं हो सकता 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज होगा कितना, -4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम। इस वाली बॉडी में लॉस करें 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन को मैं कह सकता हूं 12 प्रोटॉन प्लस में 3 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज 12 प्रोटॉन के चार्ज से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होने वाला चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट क्या होता है, अपोजिट होता है, बस खाली क्या बचेगा बेटा, 3 प्रोटॉन बचेंगे, कितने बचेंगे 3 प्रोटॉन, अगर 3 प्रोटॉन बचेंगे तो चार्ज कितना आएगा बेटा, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इस वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो वो बॉडी कैसी होगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, और जिस वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉनों का गेन किया वो वाली बॉडी कैसी होगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो चार्जिंग का कारण कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना। तो मैं यहां लिख रहा हूं एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सामने लिख देता हूं कि कॉज क्या है चार्जिंग का, ठीक है, कॉज
क्या है चार्जिंग का, तो मतलब क्या है कॉज ऑफ चार्जिंग, कॉज ऑफ चार्ज क्या है बेटा, ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी द बॉडी इज चार्ज्ड, लॉस द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली और गेन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, और हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर करेंगे, लोअर वर्क फंक्शन बॉडी से कौन सी वाली बॉडी पर जाएंगे बेटा, हाइयर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर ट्रांसफर करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो मेरे पास में एक प्लास्टिक कॉम्ब है, ये प्लास्टिक कॉम्ब है बेटा, ठीक है, मैंने माना ये प्लास्टिक कॉम्ब है और ये बेटा मेरे पास में क्या है ड्राई हेयर है, ठीक है, मैंने स्लिपरिंग टाइम दिखा दिया आपको, ये ड्राई हेयर है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो ड्राई जो हेयर जो होते हैं ना, जो ड्राई जो हेयर जो होते हैं उसका जो वर्क फंक्शन मान लीजिए 5:2 है और प्लास्टिक कॉम्ब का वर्क फंक्शन कैसा बेटा 5:1 है। मैं आपको बता देता हूं ये प्रैक्टिकली है कि वर्क फंक्शन जो होता है प्लास्टिक कॉम्ब का ज्यादा होता है किससे, ड्राई हेयर से, तो इसका मतलब ये लॉस करेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये क्या होगा बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे यहां से उतने इलेक्ट्रॉन ये यहां से क्या करेगा बेटा गेन करेगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज आएगा और ये कौन सी चार्ज होगी बेटा पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं अगला एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं कि अगर मैं एबोनाइट रॉड को, किसको बेटा एबोनाइट रॉड ले ली मैंने, एबोनाइट रॉड ठीक है, एबोनाइट रॉड को मैंने रबिंग करी इनके बीच में, रबिंग करने से क्या होता है आपको समझ में आ रहा है रबिंग करना क्यों जरूरी है, हीट एनर्जी डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो हीट एनर्जी किसमें यूज होती है ब्रेक डाउन करने में, बॉन्डिंग ब्रेक करने में, किसकी बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉनों की जो न्यूक्लियस के साथ में है, प्रोटॉन की बॉन्डिंग नहीं तोड़ी जा सकती आपको पता है, रबिंग करा किसके साथ में, एबोनाइट रॉड को किसके साथ में रब करते हैं कैट फर के साथ में, ये एक कैट फर है बेटा, क्या बेटा ये कैट फर है, बिल्ली की खाल, ठीक है बेटा। अब इनको मैंने रब करा, मैं आपको बता देता हूं आपको ध्यान रखना है कि एबोनाइट रॉड हमेशा कौन सा चार्ज होता है एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो कैट फर पर कौन सा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज है, आपसे पूछे क्यों होगा कैट फर पर क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आप लोग बता देना कि आपको बता देना बिकॉज द वर्क फंक्शन ऑफ कैट फर इज स्मॉलर देन द एबोनाइट रॉड, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली बॉडी क्या करेगी बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां से, और ये वाली बॉडी क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स, ये वाली बॉडी क्या करेगी बेटा गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगी कैट फर की, इसमें क्या करेंगे बेटा लॉस करेंगे, जहां लॉस होगा वहां पॉजिटिव चार्ज होगा और जहां गेन होगा वहां कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव, इसका मतलब एबोनाइट रॉड का जो वर्क फंक्शन है वो कैट फर के वर्क फंक्शन से कैसा है बेटा ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हाइयर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर क्या हो रहा है बेटा ट्रांसफर हो रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे मान लो मैंने एक ग्लास रॉड ले ली, तो मैं आपको बता देता हूं ग्लास रॉड पर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव होता है, ये कब आता है जब इसको हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स रबिंग करते हैं, क्या करते हैं बेटा
रबिंग करते हैं कौन से क्लॉथ के साथ में बेटा, जब इसको हम रबिंग करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ में, कैसे क्लॉथ के साथ में बेटा, सिल्क क्लॉथ के साथ में। तो अगर ये ग्लास और पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा आएगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज आएगा। आपसे पूछा जाए क्यों नेगेटिव चार्ज आया, तो आप बता दोगे क्यों आया है, क्योंकि इस वाली बॉडी ने क्या करे हैं, गेन करे हैं इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर। और ये वाली जो ग्लास रॉड है ये क्या कर रही है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लॉस ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है बेटा, लॉस ऑफ क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क जो फंक्शन है सिल्क क्लॉथ का वो ज्यादा है किससे, ग्लास रॉड के, किससे, वर्क फंक्शन से, ग्लास रॉड के किससे बेटा, वर्क फंक्शन से। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, अंबर की, अंबर को अगर मैं लेता हूं, ये मान लीजिए मेरे पास में एक अंबर है, ठीक है, अगर मैं इसको मान लो रब करता हूं, मतलब इनके बीच में फ्रिक्शन बनाता हूं, फ्रिक्शन, ठीक है, कौन से क्लॉथ के साथ में डियर स्टूडेंट, आपको बता चुका हूं आपको किसके साथ में बेटा, वूलन क्लॉथ के साथ में। तो मैं आपको बता देता हूं अंबर पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, वूलन पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों चार्ज आता है आपको समझ गए होंगे कि इसने क्या करे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक चीज आपको पता चल गई होगी, जो वर्क फंक्शन है अंबर का वो वर्क फंक्शन किससे ज्यादा बेटा, वूलन क्लॉथ के। तो ये आप लोगों को बेटा समझ में आ गया है, क्लियर, जो मैंने आप लोगों को बेटा समझाया है, ठीक है, आपको आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया है, सिर्फ कॉज बताया है किसका, चार्जिंग का, किसके कारण चार्ज हो जाए आपसे पूछा जाएगा, नेम द एलिमेंट्री पार्टिकल विच कॉज एन इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब भी इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है, कि किसके कारण बॉडी चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होती है बॉडी, क्यों होती है इलेक्ट्रॉनों की वजह से, क्यों होती है प्रोटॉन की वजह से, क्यों नहीं होती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में विद ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स से, ठीक है। प्रोटॉन क्यों नहीं जाते, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कैसी है, ज्यादा है, उनको हम इजेक्ट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं विद सप्लाइंग द एनर्जी, और ये एनर्जी कहां से आएगी, फ्रिक्शन करने से आएगी बेटा, किस क्या करने से आएगी, फ्रिक्शन करने से। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर और समझा देता हूं कि अगर कोई बॉडी चार्ज हो रही है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है या नेगेटिवली चार्ज हो रही है, तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम मास इफेक्ट की बात करते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम होता है बेटा, ठीक है। अगर मान लो एक बॉडी है जिसने क्या करें बेटा, जिसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रल है। अगर मान लो इस वाली बॉडी ने अगर गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन है, अगर मान लो इसको रबिंग करने से इसने 5 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, गेन करा। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगी तो 5 इलेक्ट्रॉनों का मास वर्क भी तो इस पर आएगा, नहीं आएगा, बॉडी पर जो गेन करी इलेक्ट्रॉनों को। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिवली जो चार्ज जो बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी होती है उसका जो मास है क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली जो चार्ज बॉडी है उसका जो मास है बेटा वो हो जाता है डिक्रीज, क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। समझ में आया, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी पर, तो इलेक्ट्रॉनों का मास भी तो आया होगा उनके साथ में अपना, तो मास तो बढ़ेगा,
और जो इलेक्ट्रॉन बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो मास कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जा रहे तो इलेक्ट्रॉन अपने मास को लेकर जा रहे हैं, तो जिस वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं मतलब कहने का मतलब ये कौन सी बॉडी है, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर और यहाँ क्या बेटा लॉस इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो बॉडी लॉस करे इलेक्ट्रॉनों का वहां उसका मास डिक्रीज होगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगी वहां मास क्या होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो अपने मास को लेकर क्या आएंगे तो मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, कुछ नहीं है सिंपल सी चीज है और मैं आपको बता देता हूँ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है बेटा। तो आई होप आपसे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जब तक ये चैप्टर खत्म होता है बेटा, ठीक है। आप इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें, बहुत अच्छी बात है आप मेहनत कर रहे हो, थैंक यू बेटा, इसी तरीके से करते रहो बेटा।